हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? रिवैल्यूएशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट कब है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल में सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि रिवैल्यूएशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट कब है, क्योंकि अभी सभी लोग का रिजल्ट ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो गया है या हो रहा है रिजल्ट, तो उनका मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों को रिवैल्यूएशन फॉर्म सबमिट करना है। तो ये पूछ रहे हैं कि उसका लास्ट डेट कब है। तो मैं आप लोग को चलिए एग्जाम्पल के तौर पर ही बताता हूँ कि कब है लास्ट डेट। तो मैं आप लोग को पहले एक बात बता दूं कि रिवैल्यूएशन फॉर्म सबमिट करने की कोई लास्ट डेट नहीं होती है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग लास्ट डेट होता है, सभी स्टूडेंट का अलग अलग लास्ट डेट होता है, कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है जो सभी का होता है, ठीक है। तो ये बात मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, रिवैल्यूएशन फॉर्म की कोई लास्ट डेट नहीं होती। अब मैं बताता हूँ कि तब उसका लास्ट डेट है क्या, सभी का अलग अलग जो पर्टिकुलर सभी स्टूडेंट का अलग अलग जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। देखिये, जैसे इन इस स्टूडेंट का 25 सितंबर को रिजल्ट अपडेट हुआ है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जिस दिन आप लोग का रिजल्ट वेबसाइट पे अपडेट हुआ उससे 1 मंथ काउंट करना होता है, वही होगा आपका लास्ट डेट, ठीक है। जैसे इनका 25 सितंबर को रिजल्ट अपडेट हुआ है तो इनका लास्ट डेट होगा 25 अक्टूबर, ठीक है। अगर किसी का 14 अगस्त को अपडेट हुआ है तो उनका लास्ट डेट होगा 14 सितंबर, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लास्ट डेट होगा। जैसे इनका देखिए, एक सब्जेक्ट जो इको 10 है वो है 14 अगस्त को अपडेट हुआ है रिजल्ट, और एक है 15 सितंबर को अपडेट हुआ है। तो इको 10 का जो लास्ट डेट होगा रिवैल्यूएशन फॉर्म सबमिट करने का वो होगा 14 सितंबर, और जो इको 5 है उसका लास्ट डेट होगा 15 अक्टूबर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए कि जिस दिन आप लोग का यहाँ पे डेट लिखा रहेगा, रिजल्ट आप लोग चेक कीजिए, जिस दिन आप लोग का रिजल्ट अपडेट होगा वेबसाइट पे उससे 1 मंथ तक आपके पास टाइम रहता है रिवैल्यूएशन फॉर्म सबमिट करने का, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। अब बात आ जा रहा है दूसरा बात कि अगर आपको रिवैल्यूएशन फॉर्म भेजना है, ठीक है, और आप लोग का पोस्ट से कुछ डिले हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं कि जो ये डेट है वो काउंट होता है आप लोग का डिमांड ड्राफ्ट कब बना है, ठीक है। अगर सब कुछ किसी का लास्ट डेट 25 अक्टूबर है, ठीक है, और फॉर्म सबमिट होने में या अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे तो 26 अक्टूबर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग का डिमांड ड्राफ्ट डीडी जो है वो अगर पहले बना हुआ है, 25 से पहले बना हुआ है, ठीक है, तब भी आप लोग का एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। 25 से पहले बना हुआ है तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखिए कि डिमांड ड्राफ्ट पहले बनाना है, और जो लास्ट डेट है वो है जिस दिन अपडेट हुआ है आप लोग का वेबसाइट पे रिजल्ट उसका 1 मंथ तक, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को बताना चाहता था, क्योंकि बहुत लोग ये पूछ रहे थे रिवैल्यूएशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट कब है। तो मैं आपको बताऊं कि रिवैल्यूएशन फॉर्म सबमिट करने का कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं होता है, जिस दिन आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसी का 1 मंथ के अंदर आप लोग को सबमिट करना होता है, ठीक है। तो आप लोग अलग अलग भी सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी का एक रिजल्ट 15 तारीख को निकल रहा है, एक रिजल्ट 20 तारीख को निकल रहा है, तो आप एक रिवैल्यूएशन फॉर्म अभी जमा कीजिए, एक रिवैल्यूएशन फॉर्म बाद में जमा कीजिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताना चाहता था। उम्मीद है कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा कि रिवैल्यूएशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट कब होती है। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी न्यूज़ होती है मैं आप लोग को जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।